बिस्मिल्लाह के हरूफ देखें, बिस्मिल्लाह के हरूफ, हरफ का पता है ना, अलिफ बा ता सा जीम, ये हरूफ हैं। अब बिस्मिल्लाह के हरफ कितने हैं? बा सीन मीम बिस्म, ठीक है, ये तीन हो गए। इतना गिनते जाए अर रहीम की मीम तक, ये टोटल बनते हैं 19। कितने हरफ हैं बिस्मिल्लाह के? 19 हरूफ, 19। और कुरान मजीद में आप पढ़ें सूरह मुद्दसर में, अल्लाह ने जब जहन्नम का जिक्र किया तो जहन्नम के अंदर दरोगे हैं, जो जहन्नम के अंदर दरोगे हैं, जो जहन्नमियों की निगरानी करते हैं, उनकी तादाद कितनी है? अल्लाह फरमाते हैं अलैहा तिसअता अशरा, तो जहन्नम के दरोगे भी 19 हैं। अल्लाह 20 भी रख सकता था, 10 भी हो सकते थे, वो 5 भी हो सकते थे, 1 भी काफी था, अल्लाह उसे इख्तियार देता, वो 1 ही काफी था, तो अल्लाह ने 19 रखे। क्यों? एक बात की समझ आती है, इधर जहन्नम के दरोगे 19 हैं, उधर बिस्मिल्लाह के हर्फ 19 हैं, तो जो इधर इन 19 को पढ़ता जाता है उन 19 से बचता जाता है, और जो इन 19 हरूफ से दूर हटता जाता है अल्लाह उसे उन 19 के हवाले करता जाता है। बिस्मिल्लाह के आपको अदद का पता है? बिस्मिल्लाह के अदद कितने हैं? ये हरूफ अब जब जो है अलिफ के हरूफ अदद कितना है, और बे का कितना है, जीम का कितना है, अगर ये पूरा इल्मुल आदाद है तो आप ये बात आपको भी पता है कि जब आप कोई खत लिखते हैं, कोई ऐसी चीज लिखते हैं, तो बाद दफा आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने की बजाय ना ऊपर लिख देते हैं 786, इतना तो पता है ना, तो कब आप सोचते होंगे 786 क्या है? ये बिस्मिल्लाह का अदद है, यानी इल्मुल आदाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके जो हरूफ है, हर हर्फ का एक अदद है, उन आदाद को जमा कर ले तो बनता है 786। वो सारे अदद उनके मैंने मेरे पास मौजूद है, लेकिन पढ़ने बैठू तो वक्त थोड़ा है, तो वो बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी, लेकिन आप इसको काउंटिंग करें अगर, तो वो अदद आपके 786 बनते हैं। तो अगर 786 लिख दे या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दे, एमुल आदाद में 786 बिस्मिल्लाह का मुतबादिल है, तो ये है 786। अब इस पे का बात आपको बताता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ एक बिस्मिल्लाह पढ़ने से इतना कुछ मिल जाता है, ये है क्या? शेख इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तफसीरुल बयान के आगाज में लिखते हैं, आगाज में होते कुल्लुल उलूम मुंदरजुन फिल कुतबिल अरबा, कहते जितने भी उलूम है वो 4 बड़ी किताबों के अंदर है। 4 बड़ी किताबें जो अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। कुल उलूम जो है वो इन 4 के अंदर है, वो उलूम हाफिल कुरान, उन चारों का इल्म इकट्ठा देखना हो तो वो कुरान में है। सुभान अल्लाह, सारा इल्म इकट्ठा देखना हो तो कुरान में है। आगे फरमाते हैं वह उलूमुल कुरान फिल फातिहा, और कुरान का सारा इल्म इकट्ठा देख रहा हूं वो फातिहा के अंदर है। वह उलूमुल फातिहते, और फातिहा का सारा इल्म का इकट्ठा देखना हो फी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर है। देखिए कुल इल्म जो है इकट्ठा किया तो कुरान में आया, कुरान का इल्म इकट्ठा किया तो फातिहा में आया, फातिहा का इल्म इकट्ठा किया तो किस में आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कुरान का इल्म इसके अंदर, कुल कायनात का इल्म इसके अंदर, और फरमाया वह उलूमुहा फिल बाए मिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बिस्मिल्लाह की जो बे है, बिस्मिल्लाह का कुल इल्म अगर जमा करना हो तो बे की बे के अंदर है, और मौला अली ने फरमाया आना नुक्ता तो तहतल बा, अगर जानना चाहो मैं कौन हूं, बे के नीचे जो नुक्ता है वो खुद अली शेर खुदा है। बे के नुक्ते में अली आ गए। अब देखते हैं बिस्मिल्लाह में 5 तन कैसे हैं, इतने जो बरकते हैं, सारा कुरान अल्लाह का है, बिस्मिल्लाह में इतनी बरकतें क्यों हैं, उसकी एक वजह आपको बता दूं। अब बिस्मिल्लाह की बे का जो नुक्ता है वो आगे मौलाए कहना। अब एक और बात आपको बताता हूं, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हर शय का इल्म रखा है, और इस बात को कुरान मजीद में आया है वला रतबन वला याबिसन इल्ला फी
किताब मुबीन, के चाहे वो खुशकी का इल्म है चाहे कोई तरी का इल्म है, वो कुरान में मौजूद है, हर शय का इल्म मौजूद है। जब हर शय का इल्म मौजूद है तो हजरत पीर बहर अली शाह रहमतुल्लाह के पास एक ईसाई आया। ईसाई जो तो इल्म उल आदात के बड़े माहिर थे हिसाब के, तो वो आया और उसने आके कहा कि कुरान मजीद में हर शय का इल्म है। आपने फरमाया हाँ है हर शय का इल्म। उसने कहा कुरान में हर शय का इल्म है तो मुझे बताए कुरान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र किधर है। कुरान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र कहां पर है? तो आपने फरमाया तो कुरान की कोई भी आयत पढ़, जो भी आयत पढ़ेगा उसमें से मैं हुसैन दिखाऊंगा। तो पूछते हो सारे कुरान में जिक्र किधर है? आप फरमाते तो कोई आयत पढ़ना शुरू किया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप फरमाए ये कुरान की आयत नहीं है, क्योंकि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये कुरान की आयत नहीं है। तो अब उसने आगे पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रुक जा ये आयत है, ये सूरह नबल की आयत नंबर 30 है, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये कुरान की आयत है, रुक जा अब तूने एक आयत पढ़ ली है, अब इसी में से हुसैन दिखाता हूं। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह के अब जो अदद है ना वो मैंने आपको पहले बताया, बिस्मिल्लाह का अदद 786 है। अब देख तुमने कहा कि इसके अदब चूंकि 786 है, अब आइए इमाम हुसैन लफ नाम जो इमाम हुसैन इसके अदद निकाले, अलिफ का अदद मीम का और फिर मीम का हा का सीन का या का, ये अदद निकाले, ये टोटल अदद बनते हैं इमाम हुसैन के 210। इमाम हुसैन के कितने अदद है अलैहिस्सलाम? 210। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई 4 हिजरी में, 210 जमा 4 कितने हो गए? 214। फिर आपकी शहादत होगी 61 हिजरी में, 214 में 61 जमा कर ले। फिर कर्बला, इन कर्बला में आपकी शहादत होगी ना, इसके अदद बनते 261। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपके नाम के अदद हैं 200। फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत होगी 50 हिजरी में, ये 50 भी जमा करें, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम के 200 अदद भी जमा करें, कर्बो बना के 261 भी जमा करें, इन सब को जमा करें तो बनता है 786। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में इमाम हुसैन भी आ गए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी आ गए, कर्बो बना भी है और इसमें आपकी विलादत की तारीख भी है, शहादत की तारीख भी है। आप फरमाते तू कहते हो कुरान में कहां है? मैं कि पहली आयत पढ़ी मैंने, एक आयत में तुझे ये दोनों शहादतें दिखा दी है। अच्छा ये तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में हसनैन का जिक्र आया, किनका जिक्र आया? हसनैन का, और बिस्मिल्लाह की बे में मौला अली का जिक्र आया। अब मेरे आका और मेरे आका की शहजादी सैयदाए कायनात हजरत फातिमतु ज़हरा अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में अब 5 तन पूरे कर दूं फिर बाद मुकम्मल करता हूं। बिस्मिल्लाह के हर्फ तो 19 थे, कलिमात कितने हैं? कलिमा कहते हैं ये एक बामाना लफ्ज़ जो होता है वो कलिमा होता है। तो इस्म फेल और हर्फ ये कलमा के 3 अकसाम है। बिस्मिल्लाह के अंदर हर्फ 1 है और 4 इस्म है। बिस्मिल्लाह के अंदर हर्फ 1 है बा, और इस्म कितने हैं? 4, और 5 तन में भी 1 खातून है और 4 मर्द। बिस्मिल्लाह में 1 हर्फ है और 4 इस्म है, और 5 तन में भी 1 खातून और 4 मर्द। तो एक तो ये मुनासबत, और दूसरी आपको बताऊं बड़ी खास, देखें बिस्मिल्लाह के क्योंकि हरूफ इसके जो है वो 19 हैं। अब आइए बिस्मिल्लाह में क्योंकि 19 है तो ये 5 तन के जो नाम हैं उनके हरूफ की तादाद भी देख ले। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुहम्मद इसके 4 हर्फ हैं, उसके बाद अली इसके 3 हर्फ हैं, 4 और 3 कितने हो गए? 7।
अगे हसन, तीन हर्फ हैं, सात तीन दस। अगे हुसैन, चार हर्फ हैं, दस चार चौदह। अगे फातिमा, पांच हर्फ हैं, चौदह और पांच कितने हो गए 19। तो बिस्मिल्लाह की हरूफ 19 है, पजतन के नाम के हर्फ भी 19 है। तो ये इससे क्या पता चलता है कि जितना भी फैजान आपने सुना है बिस्मिल्लाह का, वो पजतन पाक का है, वो मेरे आका का फैज है, वो अली शेर खुदा का फैज है, वो हसन हुसैन का फैज है, वो सज्जदाए कायनात का फैज है। ये इनकी बरकतें हैं कि शैतान भाग जाता है, ये इनकी बरकतें हैं कि आजाब दफा दफा हो जाता है, ये इनकी बरकतें हैं कि जिस तरह की तकलीफ आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े वो तकलीफ दफा हो जाती है। क्यों? कि जिस मन में पांच तन आ जाएंगे, पांच आ जाए, फिर वहां ना कोई परेशानी रहती है, ना कोई अजाब रहता है, ना कोई दर्द रहता है, ना कोई इबलीस और शैतान रहता है।